बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान फिंच फार्मिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा जावा फिंच की कलोनी जो है बहुत ही खूबसूरत यहां पर लगी हुई है। ये 55 जोड़े हैं और माशाल्लाह इनकी ब्रीड भी आई हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये इनके कुछ लगे हुए हैं और ये देखें जी, ये बहुत ही अच्छी और आउट क्लास जो है ब्रीड आई हुई है इन दोस्त के पास। दोस्तों, हमारे साथ वसीम भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इन्होंने कितने जोड़े लगाए थे और इनकी कितने जोड़ों की कलोनी है और अब कितने हैं और क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। जी वसीम, ये मैंने लगाए थे तकरीबन 25 जोड़े लगाए थे एक साल पहले। जी जी, इस वक्त मेरे पास 55 जोड़ों से प्लस है। जी जी, और इसमें जो मैंने बेची है तकरीबन 70-80 पीस बेच चुका हूँ। अच्छा, 70-80 पीस बेच चुके हैं और अभी फिर माशाल्लाह ब्रीडिंग फिर अभी इस वक्त तकरीबन अंडे जो बच्चे निकल चुके हैं, अंडों के अलावा बच्चे तकरीबन 50 बच्चा इस वक्त है। अच्छा, और जो सेल्फ बच्चा हो गया है वो 20-25 बच्चा अभी सेल्फ हो चुका है, बाकी मजीद और कुछ दिन में हो जाएगा। जी जी, और माशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट है मेरे पास एक साल में। माशाल्लाह मैंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जी माशाल्लाह। तो आगे वसीम भाई, आपका क्या लगाने का इरादा है? मैंने आगे फोन जावा प्लान किया हुआ। जी जी, और इंशाल्लाह ताला फोन जावा की सारी। अच्छा, तो अच्छा एक और यहाँ पे बड़े मज़े की चीज़ है दोस्तों, ये मेरे से पिछले साल माशाल्लाह दो जोड़े लेके आए थे और मैं इनके पास आया तो ये बता रही है आपके दो जोड़ों की ब्रीड है ये सारी डव की, तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं वो कौन सी ब्रीड है जो दो जोड़ों से इतनी ज़्यादा आ चुकी है और इन्होंने बीच में से पीस सेल भी कर दी है। आइए वसीम भाई, हमें दिखाएं जी। ये मेन दो जोड़े थे आपके, कौन से जी? ये वाले। अच्छा जी, एक ये जोड़ा था, ये जोड़ा था और एक ये जोड़ा था। एक ये जोड़ा था, ये माशाल्लाह भी ब्रीड करके बैठा हुआ जी, अभी भी ब्रीड करके बैठा हुआ जी। ठीक हो गया माशाल्लाह, ये सारी इनकी ब्रीड है सारे। अच्छा, ये भी इसी की ब्रीड है जी सारे। एक अच्छा, तो ये जी एक जोड़ा हो गया, दो जी, तीन चार हो गए जी, ठीक है, और 5 से 6 जोड़े हो गए जी, 6 और यहाँ पे 4 जोड़े यहाँ पे है, ठीक है जी, 6 और 4 10 जोड़े हो गए, और ये 11 जोड़े हो गए, 12 और यहाँ पर कितने जोड़े हैं? दो जोड़े तैयार हैं, बाकी बच्चे अंडे इधर उधर दे रहे हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन वो मैंने भी लगाए नहीं, सेपरेट नहीं किए। यानी कि ये 6 से 7 जोड़े ही हैं जी। ये हो गए जी 20 और 21 और 22 और 1 23, और ये बेच कितने दिए हैं आपने इनमें से? बेच दिए मैंने 25 पीस बेच दिए हैं। 25 पीस बेच दिए जी, माशाल्लाह। ये भी नीचे भी लगे हुए हैं जी, ये देखें जी नीचे भी लगे हुए हैं। ये पिछले साल मेरे से दो डव के पेयर लेके आए थे और मैं बड़ा खुशी हुई है कि वो दो डव के पेयर से ये देखें जी 22 पेयर ये हैं और 25 इन्होंने कह रहे कि हम मैंने सेल कर दिए 25 जोड़े। तो ये देखें जी, मैं मानने में आता ही नहीं है इतनी ब्रीड, लेकिन इसका ये है कि ये एक दफ़ा चल जाए तो ये रुकती नहीं है, फिर उनके बच्चे तो इस तरह फिर जो है ब्रीड बहुत अच्छी होती है। ये देखें माशाल्लाह। वसीम भाई, आप दाने में क्या दे रहे हैं? देखें दाने में सिर्फ मैं ओनली बाजरा, लोग पता नहीं क्या कुछ कंगनी ये वो, ये देखें टोटल बाजरा कोई। अच्छा, टोटल बाजरा दे रहे हैं? सिर्फ बाजरा, और इनको मैं लूसन देता हूँ दो। अच्छा, टहनियाँ। अच्छा, दो टहनियाँ लूसन की देते हैं? हर जोड़े को दो टहनियाँ डेली लूसन की देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एग ब्रेड लाजमी देता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, ये वसीम भाई, ये वाकई मेरे दो जोड़ों की ब्रीड है ये सारी? आपके दो जोड़ों, कोई एक भी पीस बाहर का नहीं लिया हुआ। माशाल्लाह जी, मुझे वाकई जो है ना बड़ी खुशी हो रही है इनके पास आके। बड़े दोस्त बताते हैं जी आपसे जो चीज़ ली है बड़ी अच्छी ब्रीड आई है, लेकिन इनकी ज़ुबानी सुन के आज मैं वैसे इनके पास आया था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कहा यार ये दो जोड़ों की ब्रीड जो है कैसे हो सकती है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह, ये फोन जावा की ब्रीड है, तो इसकी भी ब्रीड देखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं ये भी। अच्छा वसीम भाई, आप ये जो जावा को दाने में या सॉफ्ट फूड में क्या दे रहे हैं जो आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी ब्रीड आ रही है और देख रहे हैं बहुत माशाल्लाह आपकी कलोनी भरी हुई है, यहाँ पे इतने सारे बर्ड हैं? इसको मैं दाने में स्पेशल तो कुछ नहीं, मैंने लव बर्ड रखे हुए हैं जी जी, उनका बचा हुआ दाना। अच्छा, उनका दाना मैं डेली म्यूटेशन में रखी हुई, उनका दाना डेली चेंज करता हूँ, उनका जितना दाना बचता है उसको हवा मार के सारा इसमें, साथ ही चावल है। अच्छा, ये चावल रखे हैं जी, छोटा चावल जी जी, और चौना जी जी, उसके अलावा सिट्टा, सिट्टा सिट्टा दूधिया सिट्टा, आप जब आप बच्चे निकले हो लाजमी दे, वो बड़ा जबरदस्त रिजल्ट रहता है। और इसके अलावा आप क्या देते हैं? ये अलावा एग ब्रेड डेली, ये एग ब्रेड देते हैं जी, और ये ग्रिड है इसमें? नहीं नहीं, वो अंडे के छिलके हैं। नहीं नहीं, इसके साथ वो जो कटोरी, इसमें क्या
वो इन्होंने बैठे वगैरह किए। अच्छा, और ये क्या जी, ये इसमें क्या डाल? ये दाल मूंगी साबत की दाल नरम करके 24 घंटे भी धो के डाले, कोई भी वो सारी खा लेते हैं। और दाने में आप वो जो लबड़ का दाना वो दे रहे हैं इसको? लबड़ का बचा कुचा दाना सारा। ये देखें जी दोस्तों, ये दाना है जो बचा कुचा, साफ दाना नहीं। और ये पानी का पार्ट रखा हुआ, ये नहाते भी इसी में? इसी में नहाते हैं, इसी में जी। शाम को पानी में उठा रहे तो सर्दी होती है। अच्छा, शाम को पानी इस मगरिब के टाइम में पानी उठा रहे जी, माशाल्लाह। अच्छा, जो आप शाम में पानी उठाते हैं इसका क्या फायदा? इसका ये फायदा कि जानवर आपका सुस्त नहीं होता, ढीला नहीं होता, बीमार वो सारी रात पानी ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा कि जैसे आप मौसम मिलता है कि फ्रिज के जैसा हो जाता है। जी जी। तो वो फिर जानवर पिएगा तो बीमार होगा, गला खराब, ये वो, फिर रात ना वो सारा सिस्टम आपका खराब हो जाता है। सुबह उठे जैसे आपने दाना पानी करना है, गीजर का कोसा पानी, गर्म पानी डाल दो जी। अच्छा, ये वसीम भाई, कोई दोस्तों को जो है ना जावा के बारे में कोई टिप्स बता दें कलोनी की, जो बहुत ही जो है ना लोगों को इससे नॉलेज मिले आपसे? इसमें कोई इतनी खास चीज नहीं है कि बस आपको अपनी इसका जो डाइट है वो अच्छी दे, सॉफ्ट फूड डेली दे, एग ब्रेड डेली दे, वो इन्होंने एग खाना है उसमें इनको मिलनी है, इसे प्रोटीन वगैरह मिलनी है जी जी। प्रोटीन में एक सिर्फ मैंने अभी स्टार्ट किया है, पहले तो नहीं कर रहा था, अभी इसको मैं झींगा देना शुरू कर दिया। झींगा एग ब्रेड में? अच्छा, झींगा मछली, वो गर्म होता है सर्दियों के लिहाज से जी। झींगा उसको सर्दी की वजह से इनको मैंने देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये देख रहे फुल सर्दी है इधर ना, मैंने कोई चीज नहीं जी जी स्पेशल कुछ नहीं जी जी। हीटर का टेम्परेचर रखा हुआ, हीटर इधर लगाया हुआ था जी जी, अब तो वो भी नहीं है मेरा ख्याल। वो भी नहीं है, वो चार दिन लगाया था जब पीछे आज पड़ी थी जी जी, मैंने एक दिन लगाया था वो तार। दिसंबर की जो आज 24 तारीख है, इनका कोई बर्ड ढीला नहीं है माशाल्लाह, इनकी डाइट अच्छी है, खुराक अच्छी है, और ये बर्ड सारे एक्टिव है। डाइट अच्छी दें उसके, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बर्ड को जैसी आदत डाल देंगे सर्दी की गर्मी की बर्ड चलता है। अच्छा, अगर अनफर्टाइल अंडे कर देते हैं ये डब्बों में तो आप क्या करते हैं? बेसिक तो अनफर्टाइल नहीं होते, जिसके 5-6 अंडे 7 अंडे हो तो अनफर्टाइल नहीं होते जी जी। जो फीमेल ज्यादा अंडे देती हैं 12-14 तो वो उसमें बेसिक ये होता है कि वो अनफर्टाइल हो जाते हैं। वो इस वजह ये होती है कि मेल फीमेल जिसमें बैठते हैं, जोड़ा बैठता है, वो उनके नीचे कवर नहीं होते, अंडे ज्यादा हो जाते हैं, वो अनफर्टाइल हो जाते हैं। वो आप देखें जैसे 15 दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, आप वो तो चेक करें, कैंडलिंग करें जी जी। वो निकाल दे, अगर नहीं कैंडलिंग करनी, बच्चे निकलते हैं, जब बच्चे आपके पूरे हो जाए देखे 2-4 दिन बाद उसको निकाल दें। और नेस्टिंग वगैरह चेंज कर दें? नेस्टिंग 2-3 ब्रीडों के बाद, जिससे देख लें आपके बिल्कुल वो मुँह के आगे आ गई, बहुत ऊपर आ गई, कर दें, वरना जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है ठीक है। ये आपका जिस वक्त आपकी ये नेस्टिंग पूरी हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक खुद ही इसको इतने कवर कर देते हैं कि वो फिर मुंह से आकर इसको निकाल दे। बेहतर है कि आप निकाल देंगे तो उसमें आपको ये फायदा कि बच्चे छोटे छोटे बाहर नहीं गिरेंगे, बच्चे नहीं गिरेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा वसीम भाई, आप जो है ना मेरे व्यूअर को कोई थोड़ी सी अपनी जावा की जो है ना ब्रीड वगैरह दिखा दें, फिर इंशाल्लाह वीडियो को जो है ना स्किप करते हैं। तो चलें आप हमें जो है ना वो ब्रीड वगैरह दिखा दें जी। ये इसमें आप देखें कि इसमें अभी एग्स हैं और सारे फर्टाइल हैं जी, माशाल्लाह वाकई फर्टाइल नजर आ रहे हैं जी। इसी तरह इसके ऊपर है जी वसीम भाई, ये देखें जी, इस ये दूसरे में ये 5-6 अंडे इसमें होंगे जी माशाल्लाह, 6 अंडे 6 फर्टाइल है जी माशाल्लाह, फर्टाइल है जी, नजर आ रहे हैं जी, ठीक है जी। अच्छा जी वसीम भाई, ये देखें जी, ये बॉक्स देखें, इस बॉक्स में ये माशाल्लाह 7 बच्चे हैं जी माशाल्लाह, 7 बच्चे नज़र आ रहे हैं दोस्तों। ये देखें जी इनकी ब्रीड कितनी आउट क्लास आ रही है, ये देखें, ओ सॉरी, ये देखें जी दोस्तों माशाल्लाह 7 बच्चे हैं और कितनी आउट क्लास ब्रीड आ रही है, बहुत ही आउट क्लास इनकी ब्रीड है और बहुत अच्छी आ रही है, 7 बच्चे यहाँ पे निकले हुए हैं जी। जी वसीम भाई, इसमें क्या है? ये देखें जी, इसमें माशाल्लाह 7 बच्चे हैं जी, ये देखें जी दोस्तों माशाल्लाह, इस कुजे में भी 7 बच्चे हैं और बहुत ही अच्छी ब्रीड आ रही है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने देखे जी फीड की हुई है, फीड की हुई है बच्चों को, ये देखें जी। पहला एग आ गया इसके अंदर, वो देखिए जी जी, तो कहाँ जी, जो ये पीछे नजर आ रहा है जी जी, वो नजर आ रहा है, लूसन के पत्ते भी अंदर ले गए जी जी, ठीक है जी। जी वसीम भाई जी, मेरे पास ऑलमोस्ट बड़ी अच्छी माशाल्लाह ब्रीड है, ये देखें, इसमें भी माशाल्लाह से 7 बच्चे होंगे जी माशाल्लाह, इनके सारे जितनी भी ब्रीड आ रही है 7-7 बच्चों की ब्रीड है, 6-7 बच्चों की 6-7 बच्चे निकले हुए हैं जी, ये देखें आप,
कितनी अच्छी जो है ब्रीड इनके पास आई हुई है। जी वसीम भाई देखिए इसमें कुछ अंडे अनफर्टाइल हो गए थे, पैर भी उसके मैंने निकाल के इसके निकाल के जी, जी मैंने वो दूसरे में शिफ्ट कर दी है, इसमें नहीं है जी। ये देखिए इस बॉक्स में देखें जी इसमें क्या है जी, इसमें मैंने भी नहीं देखा था, ये लें जी इसमें कितने अंडे हैं जी, ये देखें जी 3, 3, 6, 7 अंडे इसमें देखें जी। अच्छा 7 अंडे माशाल्लाह, ये देखें जी बहुत आउट क्लास और अच्छी ब्रीड आई हुई है, सारे तकरीबन सारे कुछों में आपके ब्रीड अच्छी आ रही है जी, और माशाल्लाह बहुत आउट क्लास ब्रीड है आपकी जी जी। ये देखें जी इसमें भी देखा नहीं मैंने, इसमें देख रहे थे इसमें भी अंडे लग रहे हैं, फ्रंट से दिखा इसमें भी माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों 6 अंडे हैं 6 से 7 अंडे आ रहे हैं। अच्छा तो वसीम भाई ये तो माशाल्लाह आपने जावा की ब्रीड भी दिखाई और बहुत ही आउट क्लास आपकी ब्रीड सारे कुछों में है, सिर्फ आप हमें इस वक्त डव का बता दें कि आपने माशाल्लाह 2 पेयर मेरे से लिए और माशाल्लाह आपने जो है 40-50 पेयर कर लिए, तो ये वीवर को थोड़ा बताएं कि किस तरह आपने ये ब्रीड हासिल की और क्या इनका लगाने का तरीक़ाकार क्या किस तरह लगाने चाहिए। बेसिक आपका सबसे इसमें बेहतर तरीका होता है कि वन बाय वन लगाएं, रिजल्ट सबसे बेहतर होता है। लोग कलोनी नहीं लगानी चाहिए, कलोनी लगा लेते हैं, कलोनी में ये देखेंगे मैंने बच्चे छोड़े थे अलग जी, ये इसके अंदर एक एक उसके अंदर उन्होंने 5-5, 6-6 अंडे दिए हैं, वही मेरे वाली बात आ गई उठाया, फिर कलोनी नहीं सही होती, कलोनी नहीं ठीक होती, वो बैठते हैं ऊपर एक दूसरे के तो वो अंडे सारे खराब हो जाते हैं, बच्चे उतने निकलते नहीं है, फड़फड़ाने लग जाते हैं वो, एक की वजह से जो है ना सारे तंग होते हैं। वैसे ये मैंने बच्चे छोड़े थे और ये वैसे लगा देते हैं, जो जोड़े बनते जाएंगे वो निकालते जाएंगे, जो हम जोड़ा खुद लगाते हैं उसकी वो उतनी अच्छा रिजल्ट नहीं था, जो कुदरती तौर पर खुद लगता जोड़ा जी जी माशाल्लाह जी जबरदस्त। जी तो नाज़रीन आपने इसकी डव की वीडियो देख ली और डव की जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस थी उसकी भी आपको वीडियो दिखाई और जावा की भी माशाल्लाह ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी और कुछ बातें भी आपको बताई, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी अच्छी बातें और अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।